हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इनके दिल में डीप इनसाइड आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर और इवन आपको लेकर, ये सभी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग हो रही है, हालांकि राशियाँ आपको बताई जाएंगी। टाइमलेस रीडिंग है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अब है तब है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आ रही है तो आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं, ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी व्यूअर्स। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि करंट में इस पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर अब क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। फर्स्ट वन इज सन, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। विलेन, एविल क्वीन, गाइड कीजिए, बताइए मेरी व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम है आपका थ्रोन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरी व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस। मिस यू, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस। रिटर्न, गाइड कीजिए, बताइए। ब्रोकन हार्ट, डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। मूव ऑन एंड बॉटम है आपका नो कॉम्प्रोमाइज। देखिए व्यूअर्स, जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर राशियाँ पढ़ी जाएंगी, जो भी यहाँ पे राशियाँ आएंगी, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ते हैं करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स आपके पार्टनर के अब क्या हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बेनतहा मिस कर रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर ही अंदर आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर चल रही है। ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में, उस पल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिस पल में आप दोनों ने एक साथ बैठकर अपनी खुशियाँ संजोई थी या सोची थी, या इस तरह से आपने एक अलग ही दुनिया अपनी क्रिएट करी थी जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स होना हो करंट में डीप इनसाइड आपके साथ, उन बीते हुए पल जिसमें ये खुश थे, जिसमें इन्होंने खुश रहना सीखा, जिसमें इन्होंने जाना कि ये आपके साथ कितने ज़्यादा खुश हैं और आपके साथ रहकर इन्हें कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो ये पर्सन डीप इनसाइड उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जितना ज़्यादा ये पर्सन उसे मिस कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा मन में इनके ये थॉट बार बार इन्हें याद आ रहे हैं, या इनके फीलिंग्स इन्हें समझा रही है कि ये जो वो पल है ना, ये वापस नहीं लौट कर आने वाले, आप वापस से लौट कर नहीं आने वाले, वो खुशियाँ लौट कर नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर यही खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन बैठे, क्योंकि ये यहाँ पर ही अपनी खुशियों के विलन बन बैठे। तो वो चीज़ें इनके दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये चांसेस हैं कि एक वक्त पे इस पर्सन ने इस रिश्ते में ना जो मिठास भरनी चाहिए थी, या जो मिठास इन्हें मिली थी इस रिश्ते में, उसे एडमायर करना चाहिए था, उसे इन्होंने खुद से
जहरीला बना दिया अपने शक की वजह से, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से, या हद से ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से, या आपने जो इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी उसे पूरा ना करने की वजह से। तो ये पर्सन डीप इनसाइड उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने ना अपने शक, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी तरफ से हद से ज़्यादा उम्मीदें करना और आपकी उम्मीदों पर कभी खरे ना उतरने की वजह से आपके दिल को तोड़ना, ये सभी रीज़न इनके ही हैं। ये सभी रीज़न की वजह से इन्होंने अपने वो खूबसूरत पल जो इन्होंने आपके साथ देखे, जिए, उन्हें इन्होंने खो दिया। तो वो चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा करंट में चल रही हैं। यहाँ पर इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं करे हैं, यहाँ पे अब इन हालातों को देखकर, इन सिचुएशंस को देखकर आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या मूव ऑन करना चाहते हो। आप अब इस रिश्ते में ना इनसे किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हो, ना खुद से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। यानी कि आप यहाँ पर अगर पोटेंशियल हो रहे हो तो बस और बस अपने आप को लेकर, अपने भीतर फ्यूचर को लेकर, या अपने आप को हील करने को लेकर। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स डीप इनसाइड चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन डीप इनसाइड दिखेगा, ये समझ रहे हैं कि आपके दिल को तोड़ने वाले, ठीक है, ये खुद ही हैं। क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी तरफ से तो हद से ज़्यादा उम्मीदें रखी कि आप इनकी हर एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरो, और जब आप नहीं उतरते थे तो वहाँ पर इन्होंने अपने ही रंग आपको दिखाने शुरू कर दिए, जिसे ये पर्सन समझ रहे हैं कि हाँ, इस रिश्ते को ख़त्म करने के जो विलेन है ना, या शत्रु हैं, वो ये खुद ही हैं। क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी, या ज़्यादा ही जोर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी, और इसके चलते इनके हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं आया, ना आप, ना ये रिश्ता, ना ये खुशियाँ, वो पल, वो कुछ भी लौट कर नहीं आए, और इवन शायद वो पल अब वापस से लौट कर भी नहीं आएंगे। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स करंट में बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदें तोड़ रहे हैं, या अपनी उम्मीदें टूटते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर अभी इस पल में क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है, प्रिंस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चांसेस हैं, एक आप में से वाटर एलिमेंट और एक यहाँ पे आपका हो गया अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे आपके लिए नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4 यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। करंट में ये पर्सन व्यूअर्स आपको इस कदर मिस कर रहे हैं कि आपसे जुड़ी हुई जो भी यादें अभी भी इन्होंने अपने पास रख रखी हैं, समेट कर या कहीं छुपा कर। तो ये पर्सन ना उन यादों को जैसे निकाल रहे हैं, उन यादों को बटोर रहे हैं, जिसमें इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस यादों में कितनी ज़्यादा खुशियाँ थी, एक सुकून था, एक मन को शांति थी, और वही यादें इस पर्सन को आपका इंतज़ार करने के लिए, आपकी तरफ ऑफर खुद से लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही हैं। यानी कि उन खुशियों को फिर से जिया जाए, उन खुशियों में वापस से लौट कर जाया जाए। और वो कैसे जाया जाएगा, जब ये यहाँ पर रुककर वेट करेंगे, ना कि यहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे या मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के पास व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई कुछ तो यादें हैं, चाहे फोटो हो, आपके टेक्स्ट हो, आपने कोई तोहफा इन्हें दिया हो, वो इनके पास हो, तो वो सभी चीज़ों को ये पर्सन बेनतहा याद कर रहे हैं। या फाइनेंशियली लेवल पर अगर आपने इस पर्सन को सपोर्ट करा है, तो हो सकता है चांसेस कि इन्हें यहाँ पे ना फाइनेंशियली लेवल पर ही किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, और इस पल में, इस घड़ी में ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं कि आप इस पल में इनके साथ थे तो इस तरह से इनकी मदद करते, और होते तो डेफिनेटली आप इनकी मदद करते। तो हर तरह से जैसे कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, और आपकी यादें इस पर्सन को चलने के लिए नहीं, रुकने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए गाइड कीजिए।
एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर एट, यानी कि आपका हो गया अगस्त मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे अर्थ एलिमेंट के यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि के होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक हो सकता है। उसके अलग यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो करंट में जितना ज़्यादा ये पर्सन बीते पलों में रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना टाइम मशीन में बैठकर जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को पास्ट में देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन स्टक होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके पैर जो है वो फ्रीज होते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, थमते जा रहे हैं। रीज़न यहाँ पर ये है कि जितना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को पास्ट में जाकर देखा, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को स्टक पाया। क्योंकि पास्ट में यहाँ पे जो भी इंसान टॉक्सिक बना, या जिसने शक करा, जिसने गलत फहमियाँ क्रिएट करी, या जिसने भरोसा नहीं करा, वो ये खुद ये थे जिसने इस रिश्ते को आँख पर पट्टी बांध कर देखा, या इस रिश्ते से जुड़ी हुई खुशियों को देख कर अनदेखा करके कहीं और ही इन्होंने वर्क करना चुना। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा पास्ट के पलों में जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपना करा हुआ याद आ रहा है, और अपना करा हुआ इस पर्सन को स्टक कर रहा है। साथ में आपने क्या करा वो भी इस पर्सन को दिखाई दे रहा है, जो इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर ये एहसास दिला रहा है कि इस रिश्ते में जो विलेन का काम कर रहा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, या इस तरह की जो स्टोरी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई या जो चल रही है, वो लिखने वाले, करने वाले ये खुद ही है। यानी कि यहाँ पर राइटर ये खुद ही निकले, इस चीज़ का एहसास इन्हें पास्ट में जाकर फील हो रहा हो जैसे, लेकिन इस चीज़ को ये पर्सन अंदर ही रख रहे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे। जैसे कि ये उन इंसानों में से हैं कि अपनी कमियाँ किसी और के मुंह से देखना, सुनना ये प्रेफर नहीं करते हैं, या ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के इंसानों में से ये हैं, ठीक है। अपने आप से रियलाइज़ हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी और के मुँह से सुन ले तो वहाँ पर तो इनका पारा हाई ही हो जाएगा। तो उस किस्म के इंसानों में से मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है। राइट कीजिए, बताइए करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लेडी, तो यहाँ पे अगेन देखिएगा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में हैं, जिसमें आपकी टॉरस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में एनर्जी दिख रही है। नंबर 3, नंबर 13, नंबर 4, यानी कि आपका मार्च, अप्रैल, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। करंट में जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी तरफ ये अपना एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ उतना ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ करा है, और वो चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं कि आपके इतना करने के बावजूद इन्होंने आपको किस तरह से तोड़ा। वो आप डिज़र्व करते नहीं थे जो आपको इन्होंने दिया, वो चीज़ें इन्हें भी तोड़ रही हैं, अंदर ही अंदर इन्हें भी एहसास दिला रही हैं कि ये एक वक्त पे कितने ज़्यादा डेविल बन गए थे, या कितना टॉक्सिक बन गए थे, और इन्होंने इस टॉक्सिसिटी के चलते आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया में भी वो टॉक्सिसिटी फैला दी थी। यानी कि आपको भी इन्होंने तोड़ने में, आपके दिल को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो चीज़ें इन्हें खुद भी तोड़ रही हो, इन्हें खुद भी ये एहसास दिला रही हो कि शायद तुम मुझ जैसे इंसान को एक्चुअली में, सही मायने में डिज़र्व करते भी नहीं थे, तभी ये चीज़ें हुई, मेरे हाथों से ही हुई। तो आपसे जैसे ये खुद से कहना भी चाह रहे हो और खुद से ये फील भी कर रहे हो, ये चीज़ें इनके दिल में अभी डीप इंसाइट चल रही हैं। गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस। रीबर्थ एंड द सन, जजमेंट का कार्ड है ये, और यहाँ पे लियो और आपका स्कॉर्पियो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में हैं। आप या आपके पार्टनर में से किसी की भी ये राशि हो सकती है। नंबर 19, नंबर 20, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और अक्टूबर मंथ जो आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो करंट में डीप इनसाइड इस पर्सन के ये भी चल रहा है कि आप यहाँ पर ना भले इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या आपके साथ
पाए हुए खुशी के पलों को इन्होंने नहीं समझा, लेकिन आपने यहाँ से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में वापस से उन्हीं खुशियों को पा लिया है, या आपको वो ज़िंदगी में फिर से आगे चलकर इनसे मूव ऑन करके मिल गई हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि शायद उस वक्त पे इन्हें आपसे ये एक्सपेक्टेशंस थी, या इनके दिल में एक वक्त पे ये चीज़ें, ये घमंड आ गया था कि जो खुशियां आपको मिल रही हैं वो इनके बलबूते पे मिल रही हैं, इनकी वजह से मिल रही हैं। लेकिन जब आप इनसे दूर हुए, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें, तो इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं अंदर खाने कि नहीं, आप अपनी खुशियाँ खुद से क्रिएट करना, खुद से ड्रॉ करना जानते हो, और आपने इनसे अलग होकर, इनसे दूर होकर अपनी वो खुशियाँ शायद पा ली हैं वापस से। आपकी ज़िंदगी में उन्हीं खुशियों ने फिर से दरवाजे खोल दिए हैं जिसका आप बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी इन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान कर रही हैं। यानी कि इन्हें आपसे इसीलिए उम्मीदें बढ़ने लगी थी क्योंकि इनके माइंड में इस तरह का घमंड आने लगा था कि आपको जो मिल रहा है वो इनके बलबूते पे मिल रहा है, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप खुश हो, आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके बलबूते पर हो रहा है। लेकिन जब ये आपसे दूर आ गए या आप इनसे दूर आ गए, जो भी आप लोगों के बीच में अब हालात चल रहे हैं उनमें जब आपने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया, तो इस पर्सन का ये भ्रम जो है वो पूरी तरह से टूट गया है, उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं, ठीक है। और इनके दिल में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि शायद अब आपके दिल में, आपके मन में इस पर्सन को लेकर, इवन इस रिश्ते को लेकर कोई खास उम्मीद भी नहीं बची है, कोई आप एक्सपेक्टेशंस भी अब नहीं रख रहे हो, ना इस इंसान से ना इस रिश्ते से। बजाय ऐसा करने के आप अपने बलबूते पर अब सब कुछ हासिल करने में लग गए हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना इस पर्सन के ईगो को हर्ट कर रही हैं, ठेस पहुंचा रही हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसा दिखाते थे इनके साथ रहकर कि इनके बलबूते पर आपको मिल रहा है, तो वो ईगो को सेटिस्फाई करती थी, ईगो को बूस्ट करता था। लेकिन आपका ये बिहेवियर, आपका यू मूव ऑन करना, आपका यू बार बार इनके दरवाजे पर दस्तक ना देना, वो सभी चीज़ें इनके इस भ्रम को तोड़ रही हैं। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अभी करंट में सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के डीप इमोशंस अभी इस वक्त के। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका द फेरिलिट। तो यहाँ पे आपका सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इनके दिल में ना करंट में इवन आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि अब आप यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जिस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए आप कल तक तैयार थे, क्योंकि कल तक आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स इन्हें एक्सप्रेस करते थे, अपनी नीडीनेस, अपनी ज़रूरत आप इस पर्सन को एक्सप्रेस करते थे। इवन हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी इन्हें बताते हो कि भाई आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते हो, जो अल्टीमेटली इस पर्सन के ईगो को और सेटिस्फाई और ईगो करते चली गई। जैसे कि आपकी ये बातें इस पर्सन को यहाँ पे आपके लिए मेल्ट नहीं कर रही थी, ये चीज़ें इस पर्सन के ईगो को झाड़ पर चढ़ा रही थी। लेकिन अब इस पर्सन के आपके चुप रहने, आपके खामोश रहने या आपके मूव ऑन करने के थॉट ही इस पर्सन को ये एहसास दिला रहे हैं कि अब आपने अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे खींच लिया है। बजाय इस पर्सन को टुक टुक लगाए देखने के, इस पर्सन की राह देखने के, अब आपने यहाँ पर पूरी तरह से अपने इमोशंस को अपनी तरफ खींच कर कोई उम्मीदें, कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जो आशा है वो इनसे नहीं रख रखी है। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में चल रही हैं, यानी कि अब आप इस रिश्ते में पहले जो बैलेंस भी चाहते थे अब आपको वो भी नहीं चाहिए, तुम अपने आप ही रखो। एज एन वो होता है ना, मतलब आपकी कोई बात ही नहीं चलने दे रहे हैं, ना हेड आपकी ना टेल आपकी। आपने इनसे बोला भैया सिक्का तुम ही रखो, हमें चाहिए ही नहीं, हम अपना और कमा लेंगे, तो वो चीज़ें ये पर्सन समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ना आपने अपने आप को उस ओहदे पर, उस सीट पर पहुँचा लिया है जहाँ पे अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो घंटा चाहिए। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ना हो आपकी तरफ से एक अलग ही वाइब्रेशंस को महसूस करा रही हैं, ये यहाँ पे है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए ये पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जी के साथ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई थिंक यू आर लाइंग, तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, यानी कि अगर आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं या आपकी तरफ से इन्हें किसी तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली लेवल पर ग्रोथ हो रही है, आप हील हो चुके हो, तो वो सभी चीज़ें इन्हें ऐसे फील हो रही हैं या एक मन को दिलासा देने की बात इनकी साइड से हो रही है कि शायद ये सब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा इन्होंने कभी आपके अंदर देखा नहीं, आपको अपने लिए स्टैंड लेते हुए नहीं देखा इन्होंने, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन ये ना अब कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि देखिएगा मैंने यहाँ पे शुरुआत में भी आपसे बोला था कि पास्ट में जा रहे हैं, अतीत में जाकर जितना ज़्यादा ये झांक रहे हैं उतनी ज़्यादा इनकी एनर्जी आपका वेट करने के लिए बोल रही है। अगर वेट करने के लिए बोल रही है इट मीन्स ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये सभी चीज़ें फील करने की बात होती है, कहने की बोलने की बात नहीं होती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि मैं बस अब आगे बढ़ूं, अपनी खुशियां मुझे कहीं और देखनी है, और आप देख भी रहे हो, आपको मिल भी रही हैं, लेकिन स्टिल आपके बैक ऑफ द माइंड ये इंसान चल रहा है किसी ना किसी वे में, और इवन ये पर्सन चल रहा है तो पॉजिटिव वे में ज़्यादा चल रहा है, इसने ऐसा करा वैसा करा, इसने मेरे लिए ये करा वो करा, शायद मेरी साइड से कुछ गलत हुआ, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में अपने लिए कोई नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके मन में इतना कुछ होने के बाद भी इनके लिए पॉजिटिविटी चल रही है अपने आप को आगे बढ़ाने के बावजूद भी, तो समझ लीजिएगा कि ये आपको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ना मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारे थॉट से, तुम्हारे एक्शन से, या तुम कब क्या मुझसे किस वे में बोल दो, मुझे उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हो सकता है एक दो बात आपने इनके मुंह पे चिपका दी हो जो इन्हें डरा रही हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ये पर्सन अब कि आपको ना इन्हें वापस दे दिया जाए, उसी तरह से दे दिया जाए जैसे आप पहले थी, जैसे पहले इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर सोचते थे। तो अगर आपके माइंड में ये थॉट आते हैं कि भाई पहले जैसा हो जाए, मैं पहले जैसे बन जाऊँ, पहले जैसे सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर मामला गड़बड़ है, वहाँ यहाँ पे ये पर्सन आपके माइंड में ये थॉट्स लेकर आ रहे हैं जिससे कि आप यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना, अपनी बात रखे बिना इसी रिश्ते में वापसी कर जाओ। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, दिल से भी और बाहरी लुक भी, बाहरी अपीयरेंस भी। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, और देखिएगा ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाह रही हूँ, तुम्हें मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तुम भी उसी तरह से मांगो, एज एन कि भाई पहले जैसा हो जाए, मैं अब कुछ भी देने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए, मतलब मैं पहले जैसे सब चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई एक्सपेक्टेशन अब नहीं रख रही या रख रहा, तो आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं कि मोनोलॉजी से इस कनेक्शन को लेकर क्या पता चलता है, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या आउटकम होगा इस कनेक्शन का अल्टीमेटली, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कम्युनिकेशन इसकी इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होकर ही रहेगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर होगा, और हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में इस कम्युनिकेशन के बाद चीज़ें सही हो जाएं, वापस से उस ट्रैक पे आ जाएं, या आपके मन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपको मिल जाए इस कनेक्शन में, ये होगा इस बातचीत करने के बाद, ठीक है।
मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बस आप थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिएगा, अपने माइंड को ना थोड़ा सा बस यहाँ पर समझने की आपको कोशिश करनी है और उसके लिए आपको मेडिटेशंस करना होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को अपनी इस मेडिटेशंस के दौरान ही अपने सवालों का जवाब मिल जाए। उसकी अलग बॉटम है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत करी है इस रिश्ते को बचाने में, मैनिफेस्ट करने में, इस पर्सन को अपना बनाने में, सब चीज़ें सही करने के लिए, ओवरऑल आपने इस रिश्ते में जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट आउटकम आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा भी आपसे यूनिवर्स ये डिवाइन कहना चाह रही है। देख लेते हैं किस तरह का ये आउटकम होगा और कब तक होने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन कहना चाहूँगी कि एक पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाती हैं, ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग में तो स्पेशली यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाती हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह का आउटकम होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह का आउटकम होगा। टेम्परेंस, देखिएगा व्यूअर्स, नंबर 14 मैंने यहाँ पे भी बताया था काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा इस कनेक्शन का जो आउटकम होगा वो बेसिकली होगा बैलेंस में आना, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रीयूनियन होगा। शिव शक्ति का कार्ड है, जैसे शिव शक्ति यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही रहे थे, ऐसे ही जो भी हालात चल रहे हैं वो उन हालातों पे मिट्टी पड़ेगी और यहाँ पर आप दोनों का डेफिनेटली रीयूनियन होगा। फिर उसके लिए चाहे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े या इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन यहाँ पे आप दोनों का मिलन लिखा है, इस तरह का जवाब आपको मिलेगा। रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अभी भी हैं। चांसेस मुझे दिख रहे हैं व्यूअर्स, दिखेगा कुछ लोगों के केस में तो देखिएगा 5 वीक्स में आपको रीयूनियन के जो भी चांसेस बन रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये समय 14 हफ्तों तक भी जा सकता है। 5 to 14 वीक्स के बीच में आपको अगर अभी इस रिश्ते में एकदम ठहराव नज़र आ रहा है तो आपको मूवमेंट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि आपका रीयूनियन होने के अभी भी चांसेस हैं और आपके रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप अभी तक अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा व्यूअर्स, और उसके अलग अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। अगर आपके कुछ इस तरह के हालात नहीं हैं लेकिन आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जिनके कुछ इसी तरह के हालात हैं, वो कुछ इसी तरह के हालातों से होकर गुजर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।